आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। बाइबल कहती है कि हमारे पास शक्ति हो सकती है, हमें उपहार मिल सकते हैं, हमें फल मिल सकता है, कि हम बड़े काम कर सकते हैं, कि हम विजय में अपना जीवन जी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास परामर्शदाता, एक सहायक, मध्यस्थता करने वाला, बल देने वाला खड़ा है। कैसे कोई सिर्फ ये चाहता है कि मुश्किल द्वारा पर्याप्त पाए। मैं भरे हुए होना चाहता हूँ, भरा और हमेशा भरा, छलकता और पवित्र आत्मा से भरा हुआ। आमीन। क्या आपको अभिषेक का मतलब पता है? मैं नहीं जानती अगर आप अभिषेक शब्द से परिचित हैं, लेकिन बाइबल ने कहा था यीशु अभिषेकित हैं। यीशु अभिषेकित हैं, और यूहन्ना पहले अध्याय में कहता है कि हमारे पास अभिषेक है, हम सब अभिषेकित हैं, और वो अभिषेक हमारे ऊपर है। और अभिषेक एक सक्षम शक्ति है, यह हमें चीजें करने के योग्य बनाता है, और हमें अभिषेक से ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे वो बहुत 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 बहुमूल्य है और मूल्यवान। लेकिन यदि आप अभिषेक शब्द का अध्ययन करें तो पूरी तरह से इसका मतलब है मलना या पूरी तरह से पोत देना। ऐसे जैसे मुझे आपका इत्र से अभिषेक करना होता है, तो मैं इत्र लेकर आपको पूरी तरह इत्र से पोत दूंगी, इतना कि आपसे इत्र की महक आने लगती है। मतलब कि एक ब्लॉक दूर से ही हमें महक आ जाती है, और आप ऐसे जैसे इत्र से महक रहे होते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमारा इत्र से अभिषेक नहीं हुआ, हमारा अभिषेक पवित्र आत्मा से हुआ है, हम पर पूरी तरह पवित्र आत्मा को मला गया है। आमीन। मुझे खुशी है कि मैं आज इस सभा में ये कर रही हूँ, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे हैं और कुछ ऐसे हैं, और ईमानदारी से ये वे हैं जो इस तरह के हैं। आपके लिए ही वास्तव में ये कर रही हूँ। आमीन। क्योंकि ये केवल यहाँ के लोगों के लिए ही नहीं है, लेकिन वे तमाम जो उम्मीद है टीवी देख रहे हैं और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। हाँ, एक कारण ये भी है कि क्यों हम अपने जीवन में इसकी उपस्थिति और शक्ति को महसूस नहीं करते। ये भी जरूरी नहीं कि यह हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये क्योंकि हम नहीं जानते कैसे इसे अपने जीवन में अभिव्यक्त करें, इसकी रक्षा कैसे करें, हम इसका मूल्य नहीं जानते, और इसलिए हम हर समय वो सब चीजें करते हैं जिन्हें बाइबल दुखी और बुझी हुई या पवित्र आत्मा में बाधा डालने वाली कहती है। तो इस हफ्ते मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि कैसे इस उपहार का मोल समझें जो परमेश्वर ने हमें दी है। क्योंकि यदि आपका पुनर्जन्म हुआ है तो आपके पास पवित्र आत्मा है। कितनों के पास है? क्या आपके पास केवल गुजारे लायक है, या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? आपको परमेश्वर से ये कहना चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा से भर दें, भर दें, भर दें, भर दें, मुझे ये तरह थोड़ा सा नहीं चाहिए, मुझे भर दे। लेकिन यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको भर दे, तो आपको उसके लिए अपने जीवन में जगह बनानी होगी। कृपया यीशु को केवल इतना अपनाने की कोशिश न करें कि आपको केवल स्वर्ग में पिछले द्वार से प्रवेश मिल जाए। अपने जीवन को पूर्णतः खोल दें और कहें, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मैं नहीं जानता इसका क्या मतलब है, मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन तुझे अभी ये कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे पूर्ण ले ले, और जो तू चाहता है वो मेरे जीवन के साथ कर। और अगर आप इसका मतलब नहीं समझते, क्योंकि एक बार आपने ये दिया तो आप इसे वापस नहीं ले सकते, पवित्र आत्मा की शक्ति अपने जीवन में पाना रोमांचित होना या एक एहसास होने जैसा नहीं है। आप जानते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होगे। न कि केवल गवाही करने के लिए, मेरे खुदा, मैं अपने चर्च की सुसमाचार प्रचारक समिति में थी जब मैं कोशिश करती थी बाहर जाकर दरवाजे खटखटाऊं हफ्ते में एक बार अपने दोस्तों के छोटे से ग्रुप के साथ, और मेरा विश्वास करें मैं पीछे ही रहती, लेकिन कम से कम मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ग्रुप में होने और बाहर जाकर काम करने के इनाम के रूप में पॉइंट मिलेंगे, और तब मैं शेख ही मार सकती कि मैं सुसमाचार प्रचारक समिति में थी।
ओ हाँ, आमीन। मैं सुसमाचार प्रचारक समिति में हूँ, लेकिन घर में बंद दरवाजों के पीछे अपने ही घर में एक दुस्वप्न थी। पागल जैसी, पूरा समय परेशान, छल कपट करने वाली और नियंत्रण करने वाली, ईर्ष्यालु, लालची और रविवार को वापस चर्च जाने वाली। आप जानते हैं मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। ईमानदारी से मैं वैसी होना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं जानती नहीं थी कि क्या करूं इस बारे में। मैं समझती नहीं थी कि मुझे पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरत थी। जब पवित्र आत्मा आप पर आता है, आपको शक्ति मिलती है, शक्ति गवाह होने की, न कि गवाही करने की। मैं गवाही कर रही थी, लेकिन मेरे पास गवाह होने की शक्ति नहीं थी अपने दैनिक जीवन में। अब मैं ज्यादा गवाही नहीं करती, क्योंकि मैं गवाह हूं। आप कहते हैं, आपका मतलब है आप लोगों को यीशु के विषय में नहीं बताते। हाँ बिल्कुल, मैं लोगों को यीशु के विषय में बताती हूँ, लेकिन क्या आप जानते हैं, मैं सोचती हूँ हमें लोगों को अधिकतर समय यीशु को दिखाना चाहिए। हमें जीवन जीना चाहिए यीशु से भरपूर छलकता हुआ। हमें यीशु जैसा आचरण चाहिए। आत्मा का फल हमें चाहिए आत्मा के उपहारों में प्रवाहित हो, अलौकिक प्रतिभा की शक्ति जो हमें ऊर्जा देती है अलौकिक जीवन के लिए। आइए प्रेरितों के काम अध्याय 1:8 पर नजर डालें। वे बहुत अच्छे हैं, और जब वो उनकी संगति में था और उनके साथ खाता था, वो यीशु था, उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलम को न छोड़ो, परंतु पिता की इस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना तो तुम्हारा जल से बपतिस्मा देता था, लेकिन अब के बाद कुछ दिनों में तुम्हारा बपतिस्मा होगा पवित्र आत्मा से। आमीन। उसने कहा, अब देखो, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। अभी बाहर जाकर अपना प्रबंध करने की कोशिश ना करो, ज्यादा कुछ करने की कोशिश ना करो। पिता के वादे की प्रतीक्षा करो, जो वादा था पवित्र आत्मा के प्रवाह का, जो वास्तव में पिंतेकुस्त के दिन आया। और क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रवाह पिंतेकुस्त के दिन हुआ, वो हम में से हर एक के लिए उपलब्ध है। हर कोई जो उसे प्राप्त करता है, वो तैयार है आपको भरने और आपके जीवन को अद्भुत बनाने के लिए। चलिए भी, तो क्या आज हम ये विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मरा नहीं, ताकि हम कायर और शिकायती और मुश्किल से, मैं बस ऐसा हूं, मैं दबा हुआ हूं, मैं इसे इतना थक गया हूं, मैं तो इतना भी नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बस जागिए। कुछ लोग समय से पहले ही बूढ़े हो गए, क्योंकि वे ऐसे दिखते हैं। आप जानते हैं वे 40 के हैं और दिखते हैं 90 के, क्योंकि वे मरने की हद तक चिंता करते हैं। चलिए, पवित्र आत्मा से भरे रहो, और 80 के होने के बाद भी आप जवान दिखेंगे जैसे कि आप 40 के हों। प्रेरितों के काम अध्याय 1:8 को देखते हैं। कृपया इसे देखिए, तब तुम सामर्थ पाओगे। मैं जानता था परमेश्वर के पास सामर्थ है, लेकिन मुझे कभी किसी ने चर्च में नहीं बताया कि मैं कभी कोई शक्ति पा सकता था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो यहाँ मौजूद हैं और आप सब जो टीवी पर दुनिया भर में देख रहे हैं, कि ये कार्यक्रम दुनिया की 63 भाषाओं में अनुवाद होकर आप तक पहुँचता है। चाहे आप चीन में हों, या रूस में, या भारत, या अफ्रीका में, आप शक्ति पा सकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आप शक्ति पाएं अपने हर रोज के जीवन के लिए, वहां भी जब आप मुश्किलों से दबे हों। हम अपने कंधों को पीछे कर, सिर को ऊंचा उठाकर कह सकते हैं, मैं वो सब कर सकता हूं जो मुझे करना चाहिए मसीह द्वारा जो मुझे मजबूत करता है। मैं जवाब के बिना नहीं हूं,
मैं रास्ते के बिना नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझ में रहता है, नजदीक संगति में, और वो मुझे दिखाएगा कि क्या करना है। अगर हम परमेश्वर की शक्ति को नहीं समझते तो आश्चर्य नहीं। ईसाई होना कितना नीरस है और आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, मैं कुछ नहीं करना चाहती। परमेश्वर की सेवा एकमात्र अति रोमांचक चीज है। मेरा मतलब, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए परमेश्वर के जासूस हो सकते हैं। मैं हर दिन प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर मुझे दिखा कि आज मैं क्या कर सकती हूँ जो किसी के लिए आशीष हो। मुझे दिखा तेरी सेवा कैसे कर सकती हूँ। आप एक जगह बैठकर इंतजार नहीं कर सकते कि आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। आप परमेश्वर को आपके द्वारा किसी के प्रोत्साहन देने का माध्यम बन सकते हैं, किसी को दिलासा देने का, प्रेम करने का, जरूरतें पूरी करने का। जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा तो आपको शक्ति, योग्यता, कार्यक्षमता और सामर्थ्य मिलेगा जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप ईसाई हैं और आपका पुनर्जन्म हुआ है तो पवित्र आत्मा आप पर आएगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि आपने क्या पाया है तो आपके किसी काम का नहीं है। ये तो ऐसा होगा कि अनंत संपत्ति होने के बावजूद गरीबी में मरना, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि बैंक जाकर चेक से पैसे कैसे निकालें। आपको विश्वास करने से शुरू करना होगा कि ये शक्ति आपके लिए उपलब्ध है और अपने जीवन में काम करने के लिए पवित्र आत्मा से सहयोग करना सीखना होगा। तो इस हफ्ते हम इस बारे में बात करेंगे कि ये कितना जरूरी है और आत्मा की अगुवाई कैसे करें और पवित्र आत्मा की सराहना कैसे करें और कुछ भी करने से पहले सबसे पहले परमेश्वर के पास कैसे जाएं। हम परमेश्वर के पास सामर्थ के लिए जाएं, दिलासे के लिए जाएं, परामर्श के लिए जाएं, सहायता के लिए जाएं जो हमें चाहिए। शायद पिछले महीने की बात है, मेरे साथ कुछ ऐसे कमजोर क्षण आए जब मुझे अचानक कमजोरी लगती और मैं अचानक कांपने और पसीने पसीने होने लगती। मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा था और मेरा परिवार कहता था तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। मैंने सोचा मैं पहले इसके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। और आप जानते हैं क्या, मैंने आज सुबह परमेश्वर के साथ कुछ समय बिताया और वास्तव में उसने मुझे दिखाया कि मेरे साथ क्या गलत था। सादा और सरल, ढेरों जांचों की जरूरत नहीं। मैं ठीक से खाना नहीं खा रही थी, तो जब आपको बहुत भूख लगती है और आप ज्यादा खा लेते हैं वो आपके सिस्टम पर ज्यादा बोझ डालता है और तब मुझे नींद आती और ऐसा लगता कि रात भर ऐसे ही पड़ी रहूं। मैं ये आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूं ताकि आपको बताऊं कि परमेश्वर आपको समझदारी दें आपके जीवन में होने वाली चीजों के विषय में। अगर आप उसके पास पहले जाते हैं तो परमेश्वर अवश्य कहते डॉक्टर के पास जाओ। आमीन। मुझे मेरी पीठ के साथ भी छोटी सी समस्या है। मेरी एक टांग भी मुझे कुछ एक वर्ष से तकलीफ दे रही है, जैसे कि जब मैं बैठती हूँ तो वो सुन्न हो जाती है और इसके लिए मैं सोचती हूँ मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि क्या गलत है, लेकिन सफलता न मिलने का एक कारण ये है क्योंकि हम उससे मांगते हैं और कुछ करने के लिए। क्या आपने सुना, हम एक योजना बनाते हैं और चाहते हैं परमेश्वर हमारी योजना को आशीष दे। हमें योजना बनाने की जरूरत नहीं है और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि योजना सफल हो। प्रार्थना करें ये देखने के लिए कि परमेश्वर के पास कोई योजना है। आमीन। आज सुबह बाल कलर करवाते हुए मैंने लड़की के लिए प्रार्थना की कि वो ठीक से करे। मैंने बाल कटवाए तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी लटें ज्यादा छोटी हो जाएं और इस पूरे डील के लिए मैंने प्रार्थना की, पता है? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये परमेश्वर के लिए कष्टप्रद नहीं है कि आप हर प्रकार की चीजों के लिए उनसे प्रार्थना करें, उन्हें अपनी सहायता करने दें, उनसे पूछना शुरू करें अपनी चीजों के लिए। आइए रोमियो अध्याय 7:6 पर नजर डालें। लेकिन अब हम व्यवस्था से छूट गए,
कानून और नियम जो हम सोचते हैं जिन पर चलकर हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अब हम व्यवस्था से छूट गए, उसके साथ परस्पर व्यवहार हमने खत्म कर दिए, उसके लिए मर गए जिसने हमें कभी नियंत्रित किया और कैदी बनाया। अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। आप जानते हैं आज लोग जानना चाहते हैं, और आप सोच सकते हैं, आप चाहें तो मेरा मजाक उड़ा सकते हैं इस पॉइंट पर, अब मैं इन चीजों के लिए बूढ़ी हो गई हूँ। इसका बहुत बड़ा फायदा है, आप जानते हैं, वो बनने के लिए जिन्हें दुनिया प्यार से वरिष्ठ नागरिक कहती है। डेव और मैं बूढ़े नहीं हो रहे, युवा हो रहे हैं। और आप एक बार 70 तक पहुंच जाते हैं तब आपको पीछे जाना चाहिए, तो अगले साल मैं 69 की होंगी। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं भूल गई कि मैं क्या कह रही थी। अच्छा है, एक पल रुके, मेरे पास बढ़िया पल है, मुझे देखना है कि क्या वो वापस आएगा। शुक्र है कि हमें कानून के तहत रहने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन कर सकता है। और आज ऐसा लगता है हर कोई एक फॉर्मूला चाहता है, एक प्रक्रिया, एक ये, एक वो, एक त्रिसूत्रीय योजना, एक सात सूत्रीय योजना, ये और वो और कुछ और। जॉयस, मैं कैसे अपनी मिनिस्ट्री शुरू कर सकता हूँ? आपको मेरा जवाब पता है, बेहतर हो आप परमेश्वर से उम्मीद करें। आप इसे शुरू ना करें क्योंकि वही रचयिता और समाप्त करने वाला है, और वो उसे समाप्त नहीं करता जिसे वो रचता नहीं है। और इसके अलावा ये केवल मैं हूँ, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं क्या कर रही थी, और पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, आपको इसके 10 हिस्से की जरूरत नहीं है। योजना बनाएं, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा और हर कदम पे आपका मार्गदर्शन करेगा। वो आपको दिखाता है आपको कदम उठाना है। अगर आप थोड़ा भी चूक गए, आपको कदम वापस लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा बेहतर रास्ता मिलेगा। ठीक है जॉयस, तुम्हारी क्या प्रक्रिया है इसके लिए, अपना संदेश तैयार करने के लिए? और आप जानते हैं मुझे आपको बताने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ज्यादातर समय मेरे लिए उन्हें तैयार करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनमें से आधा तो मैं देखती भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं तैयार करती हूँ। सच ये है कि उन्हें इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन वो उस क्रम में नहीं आते जिसमें मैं उन्हें लिखती हूँ। और शायद उनमें से कल की सामग्री आज के प्रवचन में हो, और आज की सामग्री कल के प्रवचन में आए, और ऐसा ही होता है जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। ये थोड़ा डरावना है, इसलिए बहुत से लोगों की अगुवाई पवित्र आत्मा नहीं करता, क्योंकि ये थोड़ा डरावना लगता है। हमें ये सब चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं प्रवचन देने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ, मैं इसलिए कोशिश कर रही हूँ, और तब मुझे केवल कुछ क्षण लगते हैं पवित्र आत्मा और आत्मा के फल बताने में। ओ माय 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 माय, वो फल जो आत्मा देता है वे हैं प्रेम, आनंद, शांति, सब्र, अच्छाई, दयालुता, नम्रता, और इसके साथ आत्मनियंत्रण। फिर से मत कहना मेरे पास आत्मनियंत्रण नहीं है। आप चाहे उसका उपयोग ना करें, पर अगर पुनर्जन्म हुआ है तो आत्मनियंत्रण है। फिर से मत कहना ठीक है ये मेरे लिए थोड़ा ज्यादा ही है, मैं एक हद तक जा सकती हूँ। नहीं, आप जो कहते हैं, परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है और मुझे इस योग्य बनाता है कि वो करूं जो मैं करना चाहती हूँ जीवन में मसीह के द्वारा। आमीन। और फिर पवित्र आत्मा के उपहार हैं, और अच्छा हो मैं आपको उन्हें दिखाऊं, क्योंकि अगर मैं केवल उनके विषय में आपको बताऊं तो वो इतना काफी नहीं होगा। तो आइए कुरंथियों की पहली पत्री अध्याय 12 के पहले 7 वचन। अब सबसे पहले कुरंथियों की पहली पत्री अध्याय 12 वचन,
कहता है, अब आत्मिक उपहारों के विषय में ऊर्जा की खास प्रतिभा, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। राजा याकूब कहता है, अनभिज्ञ। क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा के उपहारों के बारे में बड़े पैमाने पर दुनिया भर के चर्च कितना अनजान है, और हम केवल इस पर बहस करते हैं बजाय उनमें काम करने के। मैंने पवित्र आत्मा के उपहारों के विषय में सुना भी नहीं था जब पहले 12 साल तक मैं चर्च में थी। वचन 7, लेकिन हरेक को कहिए, उसमें मैं भी शामिल हूं, क्योंकि सबके लाभ पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा गवाह रूहानी रोशनी आत्मा की का प्रकाश दिया जाता है अच्छाई और लाभ के लिए, क्योंकि हरेक आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। आप में से कितने माता पिता सोचते हैं कि कभी कभी आपको अपने बच्चों को बुद्धि का संदेश देना चाहिए? पवित्र आत्मा आपको वो देगा। आत्मा के उपहारों में ये नहीं कि आप मंच पर खड़े होकर और दिखावा करें। आत्मा के उपहार आपके दैनिक जीवन के लिए हैं, वे हरेक विश्वास करने वाले के दैनिक जीवन के लिए हैं, और चाहे विभिन्न विश्वास करने वाले हों, उन्हें विशेष रूप से एक दूसरे के साथ संपन्न किया जा सकता है। शायद अपने जीवन में अधिक सामर्थ्य हो। मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास करती हूँ ये सब आत्मा के 9 उपहार हमें उपलब्ध हैं जब भी हमें उनकी ज़रूरत हो। परमेश्वर उन्हें हमारे जीवन में भर देगा अगर हम वास्तव में उनसे ये चाहते हैं। बुद्धि की बातें, किसी दूसरे को ज्ञान की बातें। क्या आप जानते हैं कि यदि वास्तव में आप परमेश्वर के साथ नजदीकी भाईचारे में हैं और आपकी कोई चीज खो जाए, जैसे कि आपकी कार की चाबियां, आप एक क्षण रुककर कह सकते हैं, परमेश्वर क्या तो मुझे बताएगा कि वो कहाँ है? अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि 100% समय ये काम करता है, लेकिन ये होता है बार बार और बार बार। ये अद्भुत है यदि आप परमेश्वर का सहारा लेना शुरू कर दें। किसी को अद्भुत काम करने वाला विश्वास, ये विश्वास का उपहार है। हम सबके पास विश्वास होता है, लेकिन विश्वास का उपहार जो हमारे पास आएगा, जो हमें योग्य बनाएगा वे चीजें करने के जो हम विश्वास भी नहीं कर सकते कि हम कर रहे हैं। कई सालों तक मैं ये नहीं जानती थी क्योंकि मैं इसे समझती ही नहीं थी, लेकिन डेव और मैंने इस मिनिस्ट्री को खड़ा किया, इसका प्रबंध किया विश्वास के उपहार से। क्या आपके पास कुछ है? यहां तक कि एक छोटा सा विचार कि आर्थिक रूप से महीने में कितना खर्चा होता है, कहने को आप टीवी पर हैं, मतलब मुझे ये कतई परेशान नहीं करता। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर व्यवस्था करेंगे यदि वो चाहता है कि मैं ये करूं। अब ये रातों रात नहीं हुआ था, मैं परमेश्वर के साथ चलते हुए बढ़ी, उन्होंने योग्य बनाया। लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए जब आपके पास किसी चीज के लिए विश्वास का उपहार है, क्योंकि तब कभी कभी आप नहीं समझते क्यों हर कोई ये नहीं कर रहा, क्योंकि आप वो कर रहे हैं। हर कोई वही कर सकता है जिसको करने का उसको उपहार मिला है। आमीन। और मैं जानती हूं कई आप में से यहां कुछ ऐसे हैं जो वो काम कर रहे हैं जो मैं नहीं कर सकती, मेरे पास वो करने का विश्वास नहीं होगा किसी भी तरह नहीं। लेकिन जब परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ करें, मुझे सुने, अगर परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ करें, वो उसे करने का विश्वास देगा। आपने सुना? एक स्त्री जिसका नाम कैथी है, उसने फेसबुक पर हमारे साथ शेयर किया है कि कैसे मेरी एक पुस्तक उसके लिए आशीष बनी और उसकी जिंदगी बदल दी। मैं यहाँ आपको वो पढ़कर सुनाना चाहती हूँ जो उसने भेजा है। उसने कहा है, जब मैं आपकी ये गजब की पुस्तक पढ़ रही थी, नोइंग गॉड इंटीमेटली, मैं पवित्र आत्मा से भर उठी। तब से मेरी जिंदगी विस्मयकारी हो गई है। मैं 64 बरस की हूँ और मैंने कभी समझा नहीं था कि परमेश्वर मुझे इतना सुंदर उपहार देना चाहता था। ये अद्भुत पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, मार्गदर्शक, हमारा परामर्शदाता, हमारा वकील,
हमारा मध्यस्थता करने वाला है और हमें इस अलौकिक देनदारी शक्ति की भूख होनी चाहिए ताकि हम वास्तव में एक सक्रिय जीवन जी सकें, और शक्ति जो हमें हमारे हर रोज के जीवन में मिलती है। आपको अधिक आनंद मिलता है दूसरों के लिए कुछ करने पर, बजाय उसके जब आप केवल अपने लिए ही करना चाहते हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए jmmindia.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए, जॉयस की सभाओं की सूची देखिए, हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।